हेलो फ्रेंड्स, आपने परवल की सब्जी बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं बहुत ही यूनिक तरीके से इस सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आपको बहुत पसंद आएंगे, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हमने ले लिया है ये 300 ग्राम परवल। हमारे यहाँ इसको परवल बोलते हैं, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है और इन्हें हम छील लेंगे। तो पहले इसको इस तरह से काट लेंगे, और काटने के बाद इस तरह से चाकू से थोड़ा थोड़ा करके इसका बाहरी जो परत है इनको छील लेंगे इस तरह से। तो हम फिर इसको बीच में से काट के हम इनका जो गोडा है, जो पल्प है अंदर का, जो इसमें सीड्स वगैरह होता है, तो हम उनको निकाल लेंगे। निकाल के इनको खाली कर लेंगे इस तरह से, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। तो मैंने सभी को इस तरह से तैयार कर लिया है। अभी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमने बेसन ले लिया है, ये बेसन हम स्टफिंग करेंगे। तो ये मैंने 2 कप बेसन ले लिया है। इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ में डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक लहसुन बारीक कटी हुई। तो आपको मिर्च जैसे ही पसंद है इस तरह से आप डाल सकते हैं, तीखा जैसे आपको खाना पसंद करते हो। तो इसमें हम डालेंगे चटपटापन आने के लिए आम का अचार, जो अचार का मसाला है। तो इसके जगह पर आप नींबू का रस, चाट मसाला, अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इन्हें स्टफिंग भरेंगे। ये जो परवल काट के रखा है उसमें स्टफिंग भरेंगे। ये देखिए ये अच्छे से बन रहे हैं, तो स्टफिंग तैयार है। हमने स्टफिंग तैयार कर लिया, और साथ में ये हमारा परवल भी तैयार है। तो हम इस तरह से इसके अंदर सारे परवलों के अंदर इस तरह से स्टफिंग कर देंगे। ये देखिए जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। सभी को मैंने स्टफिंग भर के तैयार कर लिया है। अभी स्टीम करेंगे। तो मैंने स्टीम करने के लिए कढ़ाई रख लिया है, और इसमें डाल दिया है पानी, गैस ऑन कर दिया है, और इसके ऊपर रख दिया है ये जाली वाला प्लेट। और ये प्लेट रखने के बाद इन्हें हम स्टीम होने देंगे। अभी स्टीम होने रखेंगे, थोड़ा सा कवर कर देंगे इस तरह से, और जैसे ही थोड़ा थोड़ा स्टीम बनने लग जाएगा तो हम सारे परवलों को इसके अंदर डाल देंगे और स्टीम करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारे इस तरह से रख लेंगे। सारे परवल इस तरह से रखने के बाद हम 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट लगेगा स्टीम होने के लिए, तब तक आपको वेट करना है। ये देखिए 15-20 मिनट के बाद मैंने ये निकाल लिया है। सारे परवल अच्छे से कुक हो गया है, पक गया है। बीच में एक बार चेक भी कर लिया है। अभी गैस बंद कर देंगे। लेंगे हम 1 कप दही, और दही में डालेंगे मसाला। मसाले में मैंने सबसे पहले ये लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ये मैंने डाला है हल्दी पाउडर, और 2 टीस्पून डाला है मैंने धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और ये 1 टीस्पून मैंने डाला है ये कसूरी मेथी। और दही को अच्छे से फेंट लेंगे मसाले के साथ, ताकि दही बिल्कुल क्रीमी बन जाए। तो इस तरह से फेंटना है। ये ग्रेवी के लिए हमारा मसाला बनकर तैयार है। अभी हम ग्रेवी बनाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में
दो टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे और ऑयल जैसे गरम हो जाए तो हम डालेंगे ये साबुत जीरा। और ये देखिए गैस का फ्लेम हमने सिम कर लिया है और अभी डालेंगे ये दही वाला मसाला, क्योंकि दही वाला मसाला जब डालें ना गैस का फ्लेम बंद कर ले या आप सिम कर लीजिए और लगातार चलाते हुए इन्हें कुक करना है ताकि दही फट ना जाए। तो इस तरह से हम कुक करेंगे और जैसे दही में उबाला आ जाएगा तो हम इसमें नमक वगैरह और इन्हें हम फ्लेम को हाई कर देंगे। इस तरह से हम कुक करेंगे, ये देख लीजिए। और देखिए तेल भी सेपरेट आउट हो गया है और अभी दही में भी मसाला में भी उबाला आ गया है। तो ये देखिए अच्छे से उबाला आ गया है। तो अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करने के बाद मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और एक उबाल आने तक वेट करेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे ये स्टीम किया हुआ जो हमारा पलमल है और डाल के फिर हमें 5 से 6 मिनट कुक करना है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद हमें कवर करके कुक करना है। ये सब्जी खाने के लिए बहुत ही टेस्टी है और थोड़ा यूनिक है और बहुत ही यूनिक है और ये आप रोटी और राइस के साथ दोनों के साथ परोस सकते हैं। कवर कर देंगे, 6 मिनट के लिए हमने कुक कर लिया है और ये देखिए सब्जी अच्छे से बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी यूनिक सब्जी बन के तैयार है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। और इस रेसिपी को, इस सब्जी को आप चावल या रोटी के साथ परोस सकते हैं। हरा धनिया डाल के इनको मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने के बाद परोस लेंगे। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आएंगे, पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।